चलो तो फिर इस सेशन में हम एमसीक्यूज हमारे वर्कशीट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे वर्कशीट का, इफ द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई 2, 3 एंड -4, 4 आर को लीनियर देन फाइंड द देन वी हैव टू चेक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो वन मेथड दैट यू हैव seen in excess 7.3 is if three points, let's suppose this is point A, first point is x comma y, this is point A, the point B is 2 comma 3 and the third point C is -3, 4, ये है ठीक है, ऐसा एक पॉइंट है लाइन है मतलब, या तो हमने डायरेक्टली देखा था कोलिनियर मतलब क्या रहता है, कोलिनियर यानी क्या रहेगा, ये तीनों पॉइंट्स उसने एक ऑर्डर में दिए यहाँ पे, और कोलिनियर बोले मतलब एक साथ में एक ही ऑर्डर में रहेगी। हाँ यहाँ हमारे बुक के जैसा नहीं करना है कि कौन सा पॉइंट बीच में ये पता नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली ऑर्डर में दिया है तो ऑर्डर में लेंगे, मतलब ए बी बीच में है और सी बाद में है ठीक है, बी किस दूरी पे ए सी से ये कुछ पता नहीं। जैसे हम इतना बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी, ये तो बोल सकते हैं, ये तो हमने कोलिनियर में देखा था कि सम ऑफ टू साइड शुड बी इक्वल टू द होल साइड, मतलब हम यह बोलेंगे ए सी की लेंथ कितनी होगी, ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ। तो आपको इस केस में क्या करना है, सीधा सीधा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और इसमें रखना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट्स आएंगे। अगर लेंथ ऑफ एसी निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, स्क्वायर रूट आएंगे ना, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा, हो सकता है कहीं पे ना आए जैसे बीसी में ना आए, हो सकता है। पर अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें तीनों में आ जाए स्क्वायर रूट, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो ये मेथड कंपैरेटिवली लेंदी है, तो हम एक दूसरे मेथड यूज करेंगे। एक दूसरे मेथड है कि अब आपको ये भी पता है, हमने देखा कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका वो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस थ्री पॉइंट्स विल बी जीरो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, ये लेना है आपको। पहले वाले को लगा दो, पहले वाले को नेम दे दो पॉइंट ए को एक्स वन वाई वन, जैसे हमने पिछली केस में किया था, बी को देंगे एक्स टू वाई टू और पॉइंट सी को दे देंगे एक्स थ्री वाई थ्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला कैसा दिखेगा झटपट लिख लेते हैं। जैसे ये इक्वल टू जीरो लेना है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देनी है आपको और आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, है ना। देखा जाए तो ये भी डिफिकल्ट है ठीक है, तो अब हम देखेंगे शॉर्टकट, इसका इसका शॉर्टकट क्या है सॉल्व करने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये तो हमको पता है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे, बट एमसीक्यूज में वो ये पूछ नहीं रहा है कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या मेथड यूज कर रहे हो, उसको डायरेक्टली ऑप्शन चाहिए कौन सा सही है ठीक है। तो अब हम यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना देखते हैं, हाउ टू फाइंड, चलो लिख लेते, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल by using determinant method ठीक है। हमको पता है कि 2 by 2 डिटर्मिनेंट हमने देखा था कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी ऐसे कोई नंबर से डिटर्मिनेंट में लिखे हुए, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं 2 by 2 को, डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू डी माइनस ये क्रॉस करते हैं बाद में
डी इंटू सी, है ना। ये जो आंसर आएगा वो हमारा वैल्यू रहेगा डिटरमिनेंट का। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, -1, 7, ये डिटरमिनेंट है। इसको 2 बाई 2 क्यों बोला, 2 रोज है इसमें और 2 कॉलम्स है इसमें, तो क्या करना है इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, ये वाला पहले मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 7, फिर माइनस दे दोगे, फिर ये मल्टीप्लाई करो -1 इंटू 3। जैसे अब इसको सॉल्व करो, 2 7 14, -1 इंटू 3 -3 14, -3 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 17 इस डिटरमिनेंट। तो इस तरीके से हमने देखा था 2 बाय 2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना। फिर हमने देखा था 3 बाय 3 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। 3 बाय 3 डिटरमिनेंट मतलब जिसमें 3 रोज रहेंगे, देखो इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम से, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, ये कॉलम 3, 3 कॉलम से। तो हमने देखा था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3 बाय 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना डिफिकल्ट है, पर 2 बाय 2 का सॉल्व करना इजी है। तो हमने क्या किया था, एक नंबर डिटरमिनेंट ये लिख लिया था, फिर बीच में माइनस प्लस, फिर फर्स्ट रो के नंबर्स लिख दो। फर्स्ट रो के नंबर क्या है, 3, 2, 4 लिख दो, 3, 2, 4 लिख दिया। अब 3 नंबर आपने अगर लिया है, चलो इसके फिलअप कर दे, तो 3 के पास वाला 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट फिलअप करना है। तो क्या करना है, ये जो 3 3 है ना, हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो सब कुछ छोड़ दो। जो बच जाएंगे, बच क्या गए, ये बच गए हमारे, इसी को लिख दो 3 1 1 2, ठीक है। अब हमको फिलअप करना है 2 वाला डिटरमिनेंट, ये वाला पुट करना है ना। तो 2 ये वाला नंबर था लिया था ना हमने फर्स्ट रो का, तो अभी हमने बताया 2 जिस रो में है वो नंबर छोड़ दो और 2 जिस कॉलम में है वो नंबर छोड़ दो। जो बचे जाएंगे उनको लिखो, बचे कौन से है, ये और ये, उसी ऑर्डर में लिखो 1 3 1 2, है ना, मतलब ये रो और फिर ये रो। क्लियर है, मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। चाहो तो इसको वापस रिपीट कर करके आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। मेथड अगर नहीं समझ में एक बार में तो फिर से रिपीट करो और देखो उसको बार बार। अब 4 4 का डिटरमिनेंट फिलअप करना है, तो सेम मेथड लगाना है। 4 जिस रो में है वो छोड़ देने पड़ेंगे, 4 जो इस कॉलम में है वो छोड़ दो। तो जो बच गया, ये बच गए ना नंबर्स, इन्हीं को लिख दो 1 3 3 1। अब ये 2 बाय 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो चुका है, तो सॉल्व करना एकदम इजी है। तो ये आएगा 3 इंटू, इंटू है ना यहाँ, ये इंटू है, इसका मतलब है इंटू। अब इसको सॉल्व करो, क्या किया था मैंने, ये वाला क्रॉस करते हुए 3 2 6 माइनस लिखते, फिर 1 1 1 या -2 इन ब्रैकेट, 1 2 2 -3 1 3 प्लस 4 इंटू, चलो फिर से लिखो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 9। जैसे अब सॉल्व करते जाना है, 6 -1 5 -2 2 -3 -1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9 10 वैल्यू आ जाएगी ना, 3 5 15 -2 इंटू -1 प्लस 2 4 10 40। जस्ट ऐड कर दो कितना हो गया 57। तो 3 बाय 3 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है 2 बाय 2 में कन्वर्ट करके वैसे सॉल्व करें, है ना, ठीक है, समझ में आ गया 3 बाय 3 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आ गया हमारा 3 बाय 3 डिटरमिनेंट को का यूज एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने में कैसा करना चाहिए। तो मान लो आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नाउ हाउ टू अप्लाई डिटरमिनेंट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला मेथड वो तो लेंदी है, डिटरमिनेंट से बहुत इजी चल शुरू हो जाएगा, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए सॉल्व करने की।
तो पहले जो ए रहेगा ना अपना, समझो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। आपने क्या किया था, ए पॉइंट को रखा था एक्स वन वाई वन माना था, बी पॉइंट को एक्स टू वाई टू माना था, और सी पॉइंट को एक्स थ्री वाई थ्री माना था। सही है। अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है मुझको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय डिटरमिनेंट मेथड, तो हाफ तो लगेगा, ये तो याद रखना ही है आपको। जस्ट पॉइंट ए लिख दो, पॉइंट ए क्या है एक्स वन वाई वन, फिर पॉइंट बी लिख दो एक्स टू वाई टू, फिर पॉइंट सी लिख दो एक्स थ्री वाई थ्री। तो फर्स्ट कॉलम मिल गया, थर्ड कॉलम के लिए यहां पर सिर्फ वन वन लगा दो और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो, फटाक से आंसर मिल जाता है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का बाय विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। चलो हम फाइंड आउट करते हैं हमारे ट्रायंगल के लिए, मतलब इस ट्रायंगल के लिए। यहां पर हमको ए दिया है एक्स वन कॉमा वाई वन टू थ्री माइनस थ्री कॉमा फोर। हमारे केस में हमको इस केस में ए पॉइंट क्या दिया है आपको एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स कॉमा वाई दिया है, ए टू थ्री दिया है सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट हमारे केस में क्या दिया है माइनस थ्री कॉमा फोर दिया है। तो चलो लगा दो माइनस थ्री कॉमा फोर, ये थोड़ा दूर कर देते हैं, माइनस थ्री कॉमा फोर। ठीक है, तो चलो पुट करो बराबर फॉर्मूला में, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा आपका, हाफ हो। पहला पॉइंट क्या है एक्स और वाई, एक्स वाई पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है टू और थ्री लिख दो टू थ्री, तीसरा पॉइंट है माइनस थ्री फोर, है ना, और लास्ट में आपको वन 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 लगा देना है ना। और ये कोलिनियर बोले है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या दिया है जीरो दिया है ना, ये तो हमने पहले देखा। अब ये टू इंटू जीरो, जीरो आने वाला है, मतलब सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू बच जाएगी, तो उसको सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट हमने अभी देखा कैसे सॉल्व करते हैं, उसको टू बाय टू डिटरमिनेंट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ डिटरमिनेंट पहले मैं फिर से लिख देता हूँ, ये इधर टू चला गया था इसलिए चला गया, तो अब डिटरमिनेंट बच गया सिर्फ हमारा एक्स वाई वन टू थ्री, वन थोड़ा बड़ा निकाल रहे हैं, माइनस थ्री फोर वन। चलो फटाफट बताओ क्या किया था हमने, नंबर डिटरमिनेंट, नंबर डिटरमिनेंट, नंबर डिटरमिनेंट, मैंने बताया था बीच में माइनस फिर प्लस लगाना है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख देंगे, क्या है फर्स्ट रो का एलिमेंट एक्स वाई और वन, सिंपल है। फिर क्या बोला था, एक्स का डिटरमिनेंट फिलअप करना है, तो एक्स जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छोड़ दो, बाकी के नंबर फिलअप कर दो, बच्चे कौन से नंबर ये, तो ये फिलअप कर देंगे थ्री वन फोर वन, है ना। अब हमको क्या फिलअप करना है, वाई का फिलअप करना है, वाई का, तो वाई जिस रो में है, वाई इस रो में है, वाई इस कॉलम में है, ये छोड़ देंगे, जो नंबर बच गए ये बचा है और ये बचे हैं, इनको लिख लेंगे। सही है, अब क्या बचा, वन का फिलअप करना है, वन किस रो में है, इस रो में है, छोड़ दो, वन किस कॉलम में है, छोड़ दो, जो नंबर बच गए वो लिख दो, ये नंबर बचे हैं, इसी को लिख देंगे टू थ्री माइनस थ्री फोर। अब पहली बार देखने में लगेगा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, पर कोई भी नई चीज, कोई भी शॉर्टकट आप हमें पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा लेंथी लगता है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो स्पीड में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और हम इस डिटरमिनेंट को इजीली सॉल्व कैसे करना है और इजीली इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, जिससे सॉल्व करना भी थोड़ा इजी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू कितना हुआ ये थ्री माइनस फोर, या माइनस वाई इन ब्रैकेट टू वन जर टू माइनस माइनस थ्री इंटू माइनस वाई माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, या प्लस वन इंटू एट माइनस माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन। चलो करो फटाफट सॉल्व, एक्स इन ब्रैकेट थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस वाई, ये आएगा टू माइनस माइनस प्लस थ्री हो गया फाइव,
प्लस वन इंटू ये माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 9 कितना होता है 17, सिंपल है। या आया माइनस एक्स, या आया माइनस 5 वाई, या आया प्लस 17। लेफ्ट साइड में जीरो चल रहा था ना आपका, ये जीरो चल रहा है ना लेफ्ट साइड में, ऊपर से देखने शुरू करो तो सही है। तो जस्ट क्या करना है आप, ये दोनों निगेटिव है तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, एक्स प्लस 5 वाई इक्वल्स टू 17। ये एक रिलेशन मिल गया, ये रिलेशन किस ऑप्शन में है चेक करो, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 7, डी इस ऑप्शन में है ना, तो आंसर आ गया डी। इतना आपको टाइम नहीं लगेगा जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस आपने किए हैं ये तो थोड़े स्पीड में करने पड़ेंगे ना, जितने स्पीड में करोगे उतनी स्पीड में आंसर आएगा। पहली बार में आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर है इजी डिटरमिनेंट सॉल्व करना, क्योंकि आप नया पढ़ रहे हो। लेट्स टेक द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम वर्कशीट। इट इज, क्या बोला है, पी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस टू इट्स राइट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। एकदम सिंपल है, पर समझाने के लिए फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट पी क्या बोला है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस इस पे होगा, तो सीधी बात है एक्स एक्सिस पे है तो y 0 होता है, तो फॉर्म तो a कॉमा 0 इस फॉर्म का ही होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा था a कॉमा x एक्सिस पर, ये फॉर्म तो समझ रहे हैं ना, तो ये तो आंसर गए ना, ये तो कॉमन सेंस है, इन दोनों में से कोई होगा। आपको कुछ नहीं समझ में आया, x एक्सिस बोला ना बस y 0 होना चाहिए, इसमें y 0 है क्या, इसमें y 0 है क्या, नहीं ये भी गया, तो एज ऑब्वियस ये आंसर है। कोई ज्यादा दिमाग ना लगा तो यही भी आप डायरेक्टली कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हो, अगर आपको बेसिक्स पता हो। वैसे भी अगर क्वेश्चन अगर पढ़ो तो आप क्या बोल, आपको क्या बोला, एक्स एक्सिस पे है पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ए वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से 3 ये डिस्टेंस पे, किधर की साइड, राइट साइड की लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो राइट साइड आपको 3 डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, पहले एक गए फिर 2 गए और फिर 3 गए, तो पॉइंट ये मिला आपको पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 3,0। ऐसा आपको पूरा सोचना पड़ेगा, पर अगर आपको कॉमन सेंस हो, बेसिक पता हो, तो आप तो डायरेक्टली जैसे मैंने बताया फटाफट करके कर लो, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 4,-3 फ्रॉम द ओरिजिन इज। देखो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना एकदम सिंपल है, कैसे ये भी आप इजीली याद रख सकते हो, मैं दो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे। देखो कितना सिंपल, ओरिजिन ये है आपका 0,0 और 4,-3 किधर होगा, ये मान लो 4 है, ये मान लो 3 है, सॉरी -3, तो पॉइंट यहां कहीं पे रहेगा है ना, सही है। ये डिस्टेंस कितना है 4, ये डिस्टेंस कितना है -3, मतलब डिस्टेंस 3 है ना। अब आपको क्या निकालना है, ये पॉइंट कौन सा, ए, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ये देखो ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, एक ही बात, ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस बना, मतलब ये ओ ए का स्क्वायर क्या होता है, ये ओ ये वाली लेंथ का, इस वाली लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ कितनी है 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर लगाओगे, फिर इस वाली लेंथ का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है ना, ये साइड कितनी है 4, इसका स्क्वायर कितना बनने वाला है 9 प्लस 20 16, 25, तो OA का स्क्वायर आ गया 25, मतलब OA की लेंथ कितनी होगी 5, सिंपल है ऑप्शन नंबर सी। या आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपका ओरिजिन ये है और एक ये पॉइंट है 4,-3 है ना, ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2, डिपेंड करता है आपको कैसे सॉल्व करना है, या क्लियर आप डिस्टेंस फॉर्मूला में रख दो x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, दिस विल बी द लेंथ ऑफ OA, ठीक है। अब सीधी बात है x1 y1 जीरो है ना, मतलब स्क्वायर क्या आएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसका सम, उसका स्क्वायर रूट, यही आपका सीधा सीधा आंसर आता है,
तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना तो याद ही रखना है, जो पॉइंट का निकालना है डिस्टेंस उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो, सम करो, स्क्वायर रूट लो। चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से याद रखो, चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से भी याद रखो। ऐसा याद रखो क्यों? क्योंकि ये आपको बाद में भी काम में आएगा। ये विजुअलाइजेशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला लगाकर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना।